दोस्तों साढ़े सैगमेंट तंदुरुस्ती दे विच अस साढ़े नाल ने साढ़े डाइट काउंसलर दिलप्रीत गरेवाल जी। दिलप्रीत जी, अज असीं गल करांगे बच्चियां बारे। सब तो पहले सानू यह दसो कि क्या जानते हैं कि बच्चों लिए न्यूट्रिशियस डाइट बेहद जरूरी है, यह क्यों जरूरी है? मैंने लगता है कि बचपन एक ऐसा टाइम होता है जब फाउंडेशन होती है साढ़े ले डाउन होंगे है साढ़े वजन का, तुम कह लो कि वो एक टाइम होंगे है जो साड़ी डाइट नू लैके चाहे वह मैनरिजम्स ने कोई भी चीज़ है उदों ले डाउन होंगी है। सो बचपन के जे सानू अच्छी डाइट नहीं मिलती, जे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सारे कॉम्पोनेंट्स नहीं मिलते डाइट के, तो ये साड़ी ग्रोथ नू इफेक्ट करता है, मेंटल ग्रोथ नू, फिजिकल ग्रोथ नू, ते इमोशनल ग्रोथ नू, हर तरह इफेक्ट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सानू बचपन के ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलन जिहड़े साडे लई जरूरी ने। तो जेकर असीं गल करिए कि एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट फॉर अ किड तो की होनी चाहिए है? बेसिकली प्रोटीन, एनर्जी, फैट, ये सारिया चीज़ा ने जिहड़ियां राइट प्रपोर्शन च होनिया चाहिदियां ने। इन्हां दा बैलेंस किन्ना जरूरी है, कैल्शियम एट द सेम टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तो इलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशियंसीज जिहड़ियां चिल्ड्रन दे विच हो जांदियां ने इन किड्स, वाइटामिन ए डेफिशियंसी दे विच वी लाइक एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ डेफिशियंसीज। सो ये जरूरी है कि होर बिगर कॉम्पोनेंट्स जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ने उस तो इलावा सानू जो माइनर न्यूट्रिएंट्स ने वो भी कंप्लीट होने चाहिए ने, जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो सानू ईजीली मिल जाते हैं, बट बिकॉज इन्ने फसी होंगे ने चिल्ड्रन, किड्स इन्ने फसी ने, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो फिर उन्होंने एक डायट प्लान की होना चाहिए ने, ब्रेकफास्ट उन्होंने की खाना चाहिए, तो आफ्टरनून की खाना चाहिए, डिनर के असं बच्चों की दे सकते हैं? सब तो जरूरी तो यह है कि वैन वी प्लान अ डायट फॉर अ स्कूल गोइंग किड, यू नो, तो एक ब्रेकफस्ट है जो बहुत जरूरी है, जो बहुत बच्चे नहीं करते। बगैर ब्रेकफस्ट तो क्लास के ध्यान ना देना, पढ़ाई पर इफेक्ट होना, इस तो इलावा होर भी बहुत चीज़ा हैं कि जिस सवेरे तुसी कुछ नहीं खा के जाते तो पैक्ड लंच तुसी या कैंटीन का बहुत फैशन है, पैक्ड लंच भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए है। ब्रेकफस्ट जरूर करा के भेजो, कुछ होर नहीं तो जस्ट अ टोस्ट, एक सैंडविच खिला दो, होर कुछ नहीं तो कोई सीरियल खिला दो, कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क, एक बनाना खिला दो। एंड उस तो इलावा लंच बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए है। मैं ज़्यादा मलिका स्ट्रेस करती हाँ पोहा, वेजिटेबल पोहा होवे, पैक्ड लंच के विच वेजिटेबल दलिया होवे, कोई ऐसी चीज़ होवे जिहड़ी होलसम डाइट होवे, एट द सेम टाइम अट्रैक्टिव भी होवे, बिकॉज जे अट्रैक्टिव नहीं है तो बच्चे ने वो छड़ के कैंटीन वाल नहीं भजना है। फिर तो फिर जिवें तुसीं दस्सिया कि वेजिटेबल डाइट होनी चाहिए है, आम तौर पर असीं वेखदे हां कि बच्चे जिहड़े होंदे ने वेजिटेबल्स तो परहेज करदे ने, ए नहीं खाना, वो नहीं खाना, इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव टू दैम? या श्योर देयर इज। सी आई विल टेल यू कि होंदा है कि जे तुसी किसी चीज़ नू इस तरह बना दो कि पता ही ना चले उहदे च वेजिटेबल है, तुसी जिहड़ी नॉर्मल रोटी बनाने हो बच्चे वास्ते, उस रोटी दे विच तुसी सारियां वेजिटेबल्स नू असी आटे विच गुन दिंदे आ, जदों उहनू तुसी आटे विच बॉयल करके आटे विच गुन दिओ ते पता ही नहीं लगना कि उस रोटी च की, इनफैक्ट वो एक फ्लेवर देगी, एक टेस्ट देगी उस रोटी नू। एट द सेम टाइम जिवें हुण सूप्स एंड ऑल, इहदे तां बच्चे उंझ ही बड़े शौकीन ने, सो तुसी सारियां चीज़ां जिवें टोमैटो सूप या इह जिहे सूप्स नू तां बच्चे पसंद करदे ने, बट एट द सेम टाइम तुसी उच लौकी वगैरह हर चीज़ पा के सूप तैयार कर सकते हो, एंड उहनू अट्रैक्टिव बनाने लई तुसी उहदे च पनीर ग्रेट करके पा दो या चीज़ पा दो थोड़ा जा, हाई कैल फूड्स वी डोंट माइंड फॉर किड्स, सो वो तुसी दे सकते हो, एंड आई एम श्योर वो ईजीली वो ला लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि बच्चे फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं, चाइनीज़ हो गया, इटालियन पिज्ज़ा, चाउमिन, तो उस तो बच्चों नू किवें अवॉइड किया जाए? आई थिंक विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, फॉर देयर हेल्थ टू। या एक्चुअली वी कैन से दैट अ पिज्ज़ा इज़ नॉट गुड फॉर अ किड, बट जे हाँ हाइजीनिक ना हो या उहदे विच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिहड़ी बच्चे नू दे रही है, या सिर्फ बच्चा पिज्जे वल भज रहा है तो रोटी नहीं खा रहा है तो इसलिए अफेक्ट करेगा। सो आई थिंक मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ के, थोड़ा जहा ध्यान देना फाउंडेशन है लाइफ की, यही कि घरें तुसी किवें उह चीज़ां नू अट्रैक्टिव बना सकते हो। पिज्ज़ा घरें भी बेक हो सकता है, तुसी उहदे विच ऐसियां चीज़ां पाओ जिहड़ियां बच्चे पसंद करते हैं, पुट ऑल द वेजिटेबल्स, ड्रेसिंग्स भी करे आसानी नाल बन जांदियां है, सो यू कैन बेक दीज थिंग्स, यू नो, विद द न्यूट्रिएंट्स देयर विल बी लॉट्स ऑफ लव आल्सो अकॉम्पनिंग विद देम। दिलप्रीत जी, इस ग्रोइंग एज दे विच केड़े केड़े फ्रूट्स बच्चों नू लेने चाहिए ने? सारे फ्रूट्स ही बच्चों वास्ते अच्छे हैं, बनाना इज़ वेरी गुड फॉर किड्स। एंड फ्रूट्स के नाल नाल मैं एक होर गल ते स्ट्रेस देना चाहवांगी कि जूसिस जिहड़े बच्चे यू नो सब नू पसंद हुंदे हन, हाँ जूसिस दो इह जी कोई गल नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसी एज तो बच्चों नू फ्रूट्स खाने ते इनकरेज करो, बिकॉज होल फ्रूट ते जूस दे विच भी फर्क होएगा, उहदे नाल फाइबर मिलेगा, जिहड़ी उहदी फ्रूट की स्किन है उहदे तो जो न्यूट्रिएंट्स मिलनगे वो सब जूसिस विच वेस्ट दी फॉर्म च निकल जांदे हैं। सो सारे फ्रूट्स खाने ते इनकरेज करो, उन्होंने अट्रैक्टिव बनाओ, डिफरेंट फ्रूट चाट्स बना के या फिर तुसीं पुडिंग्स बना दो जिहदे सारे फ्रूट्स पाए जा सकते हैं, इस तरह इनकरेज करो। दिलप्रीत जी, बच्चे जड़े हैगे ना दूध तो बहुत ज़्यादा दूर भजते हैं, तो दूध का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो वह कितना एक जरूरी है बच्चों लिए?
दूध बहुत ज़रूरी है. कैल्शियम मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर बोन्स, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर टीथ. एंड दूध बहुत ज़रूरी है बच्चों वास्ते. दूध तो अलावा जो उन्होंने दूध पसंद नहीं तो कैल्शियम होर चीज़ों तो भी मिल जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स तो मिल जाता है, वो इनकरेज कर सकते हैं.